तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स, या इसे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहें। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स, इमेज और डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस। ऑब्जेक्ट मतलब सिंपली सोर्स ऑफ लाइट, जहां से हम रेज को ओरिजिनेट करते हैं उसे हम सोर्स कहते हैं। अब अगर हम इसको यहां से देख रहे हैं तो हमारे लिए ये रेज यहां से आते हुए फील हो रही है, तो हमारे लिए इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन वो है जहां से रेज हम रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अगर ये रेज जो हम रिसीव कर रहे हैं वो हम कहीं और से रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीव करते, फॉर एग्जाम्पल रेज यहां मिरर पर टकराई और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमने रिसीव की, तो हमें ऐसा फील होगा मानो ये रेज यहां से आ रही हो। तो हमारे लिए ये ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है, हमारे लिए ऑब्जेक्ट यहां पे। अब एक्चुअली तो ये सोर्स ऑफ रेज था नहीं, तो एक्चुअली जो रेज यहां से आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके गई, तो हम ये मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर मौजूद है जो हमें दिखाई दे रही है। और हम यही डिस्कशन करने वाले हैं आज ऑप्टिकल डिवाइस में लेंस के लिए, और ऑब्वियसली आइडियल लेंस के लिए। तो आइडियल लेंस के लिए हम एग्जैक्टली यही डिस्कस करेंगे कि इमेजेस कहां बनेंगी, किस तरह होंगी, और होपफुली आपको यह फॉर्मूला पता होगा 1/u, 1/v, 1/f। लेकिन हम यह फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे रे ऑप्टिक्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसमें हम बिना फॉर्मूला यूज करें यह फील करने की कोशिश करेंगे कि लेंस किस तरह अपनी इमेजेस बनाता है। तो देखिए, मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक्स आपको पता है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है। यह हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, और नाम कन्वर्जिंग लेंस इसीलिए क्योंकि यह रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे। रेज स्ट्रेट आ रही थी, अंदर की तरफ बेंड हो गई, तो यह कन्वर्जिंग लेंस है और इसने यहां पर कन्वर्ज कर दिया। डाइवर्जिंग लेंस कुछ हम इस तरह बनाएंगे, या कॉनकेव लेंस, रेज ऐसी आ रही थी, ये रेज डाइवर्ज कर गई, तो ये डाइवर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस, एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जेंस या एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस उसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि एक लेंस ने यहां पे कन्वर्ज किया, दूसरे लेंस ने इन्हीं रेज को यहां पर कन्वर्ज किया, तो कौन सा ज्यादा कन्वर्जिंग है, पहला या दूसरा? तो सिंपल सी बात है, पहला वाला, क्योंकि ये रेज को ज्यादा मोड़ रहा है, तो इसको मोड़ने की स्ट्रेंथ ही कन्वर्जेंस है। अगर और ज्यादा कन्वर्जेंस होता तो ये और पास में मोड़ देता। तो ये समझ में आ रहा है कि यहां कन्वर्जेंस की स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ डिस्टेंस वेयर रेज कन्वर्ज, और डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट हो रहा है, लेंस से। तो अगर ये डिस्टेंस मैं एक्स मानूं तो कन्वर्जेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, हम ये अज्यूम कर लेते हैं। और अगर मैं इसको मानूं तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिया, तो मैंने कन्वर्जेंस डिफाइन किया k/x। इसी को अगर हम इस तरीके से देखें कि रेज अगर ऐसी आ रही थी और लेंस इन रेज को सीधा कर दे, तो अब हम यह मानते हैं कि लेंस में एक्स का डाइवर्जेंस था, एक्स का डाइवर्जेंस था, स्ट्रेट हो गई, तो डाइवर्जेंस खत्म कर दिया, तो ये डाइवर्जिंग रेज थी, ये कन्वर्जिंग लेंस है। और हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली डाइवर्जेंस खत्म हो गया तो इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर ठीक इसके डाइवर्जेंस को खत्म करने वाली थी। इसका मतलब अगर मैं इनमें कहूं तो इनमें डाइवर्जेंस है, इनका डाइवर्जेंस और लेंस का कन्वर्जेंस, दे आर एग्जैक्टली सेम। जितना डाइवर्जेंस इसमें था ठीक उतना ही कन्वर्जेंस इसने दिया, दोनों कैंसल आउट हो गए और ये बना। और डाइवर्जेंस को अगर मैं यहां से डिफाइन करूं तो ये के है, तो दिस इज इक्वल टू k/x, तो यहां कन्वर्जेंस भी k/x है। और अगर अब मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं
तो अब हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, मान लो कोई रे डायग्राम ऐसा था, ये एक्स पे था ये वाई पे, मींस इंसिडेंट रेज में एक्स का डाइवर्जेंस था, फाइनली वाई का कन्वर्जेंस है, तो के अपॉन एक्स का डाइवर्जेंस था, इसने कुछ कन्वर्जेंस प्रोवाइड किया और फाइनली रेज में के अपॉन वाई का कन्वर्जेंस आ गया। मतलब मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से डाइवर्जेंस को नेगेटिव मान रहा हूं, कन्वर्जेंस को पॉजिटिव मान रहा हूं। बस हमें यह और डिसाइड करना बाकी है कि आखिरकार यह लेंस की खुद की कन्वर्जिंग पावर कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यह समझा कि इनपुट डाइवर्जिंग था, आउटपुट कन्वर्जिंग है। इस तरह यहां इनपुट पे कोई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं है, आउटपुट पे कन्वर्जेंस है, और बात बिल्कुल सही है, जीरो कन्वर्जेंस, कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज कर गई। तो हम इसका एक्सटेंट और समझ लेते हैं कि कितना है। तो इसके लिए हम बहुत ही आसान सा, जैसे इसकी फोकल लेंथ होती 30 सेंटीमीटर, तो ये इन रेज को यहां पे मीट कराता कहां पे, 30 पे, तो इनमें नो कन्वर्जेंस था, इनमें कन्वर्जेंस के बाय 30 का आ गया। इसका मतलब लेंस हैज कन्वर्जिंग पावर ऑफ के बाय 30। कोई कन्वर्जेंस नहीं था, के बाय 30 का कन्वर्जेंस आ गया, मतलब लेंस के अंदर कन्वर्जिंग पावर के बाय 30 की थी। इसी तरह अगर मैं दूसरा लेंस लूं जो इन रेज को यहां पे 10 पे मीट करा रहा है, तो वंस अगेन जीरो कन्वर्जेंस, अब इसमें कन्वर्जेंस के बाय 10 है, तो यहां लेंस में लिख सकता हूं कि इसकी कन्वर्जिंग पावर के बाय 10 होगी। तो हम इसका रेसिप्रोकल भी सोच सकते हैं कि अगर आप इसी लेंस को उल्टा सोचते कि रेज ऐसी आ रही थी तो रेज पैरेलल हो गई, क्योंकि इनमें डाइवर्जेंस ये 10 से था, के बाय 10 का था, और ये लेंस के अंदर कन्वर्जेंस के बाय 10 का था, और ये डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस एग्जैक्टली कैंसिल हो गए, तो इनमें नो कन्वर्जेंस नो डाइवर्जेंस ये बन। तो न्यूमेरिकली हम कन्वर्जेंस कन्वर्जिंग पावर लगभग समझ गए कि ये k बाय डिस्टेंस। तो अब हम अगर डिफाइन करें इसको, तो यहां हम कैसे सोच रहे हैं, ये देखिए, अगर इसकी फोकल लेंथ 30 थी, ये लेंथ 40 है, तो हम सोचते कि इनपुट रे में डाइवर्जेंस था कितने का, के बाय 40 का, इसमें कन्वर्जेंस कितने का है निकालना है, और ये लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है ऑफ पावर के बाय 30, और ये के बाय 30 कैसे, इसकी फोकल लेंथ 30 है, इसका मतलब ये 30 पे इसको मीट कराता, मतलब के बाय 30 का कन्वर्जेंस पैदा करने की ताकत रखता है। मतलब ये लेंस इनपुट में कोई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं था, फाइनली कन्वर्ज कर गई, मतलब ये लेंस के पास कन्वर्जिंग पावर के बाय 30 की। तो अब हम यहां सोच सकते हैं कि इनपुट में डाइवर्जेंस था के बाय 40, इनपुट में इसने अपनी तरफ से कन्वर्जेंस दिया के बाय 30, ये इनपुट था, ये पावर गिवन बाय लेंस, तो आउटपुट आ गया k बाय 120, और k से k कैंसल आउट कर दूं तो हर जगह k कैंसल आउट हो रहा है, इसका मतलब k में कुछ भी लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों ना हम k की वैल्यू 1 ही ले लें, क्योंकि हम पहली बार कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि k की वैल्यू 1 है 2 है कितनी है। तो अब हमें पता चला कि कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस काय का, ऑफ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस फ्रॉम डिवाइस। तो कन्वर्जेंस को हमने डिफाइन किया 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस फ्रॉम डिवाइस। ऑब्वियसली डाइवर्जेंस भी यही है,
तो पावर भी हमने कैसे डिफाइन की, वन अपॉन फोकल लेंथ, कि लेंस की फोकल लेंथ अगर एफ है तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर सीधे वन अपॉन एफ होगी। तो अब हमारे लिए क्वेश्चंस बिल्कुल आसान से हो गए। तो एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल ये यहां से 60 पे है, इसकी फोकल लेंथ 40 पे है। अब पूछा है लोकेशन ऑफ इमेज, तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये रेज कन्वर्ज कर भी पाएंगे कि नहीं। तो इनपुट में डाइवर्जेंस है के बाय 60 का, कन्वर्जिंग लेंस के बाय 40। कन्वर्जेंस ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू डाइवर्जेंस, मतलब वाकई में ये रेज को कन्वर्ज कर देगा। अब कहां पे कन्वर्ज करेगा वो हमें सोचना है, तो वो हम सीधे देखते हैं कि इनपुट है के बाय 60 का, इसने k बाय 40 इसमें इंट्रोड्यूस किया और आंसर आया k बाय 120, एलसीएम 240, ऊपर 20, और k तो मतलब ही नहीं था k कितना है, तो k बाय 120। ठीक है, तो ओवरऑल k बाय 120 मींस ये 120 सेंटीमीटर पे जाके रेज को कन्वर्ज कर देगा। लेकिन अगर इसी में ये यहां ना होके कहीं और होता, जैसे मैं इसको रखता 30 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ होती इसकी 40, तो डाइवर्जेंस है 1/30 का, के की वैल्यू 1 ली, कन्वर्जेंस है 1/40 का। इस बार डाइवर्जेंस ज्यादा पावरफुल है, कन्वर्जेंस कमजोर है, मतलब ये रेज को मीट नहीं करा पाएगा। और अब अगर सॉल्व करें तो -1/30 में 1/40 ऐड किया तो 1/120, लेकिन नेगेटिव का, मतलब फाइनली रेज में डाइवर्जेंस है 1/120, 120 का, मींस रेज अभी भी डाइवर्ज कर रहे हैं। और डाइवर्जेंस उसमें 120 का मींस यहां से 120 सेंटीमीटर आगे। ये रे डायग्राम हमारा होगा, मतलब ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा इमेज है। कोई पर्सन जो यहां से देखेगा तो उसको रेज ये वाली नहीं मिलेंगी, मुड़ने के बाद वाली मिलेंगी। तो इस पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं है, यहां मौजूद है, जिसे हम इमेज कह रहे हैं। सेम टू सेम यही हम डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी बिल्कुल हम वैसे ही सोचेंगे, रेज ऐसी थी, इसने मान लो इनको डाइवर्ज कर दिया और ये डाइवर्ज हुई मान लो यहां से 20 पे, तो इसकी फोकल लेंथ 20 है। इनपुट में कोई डाइवर्जेंस नहीं था, फाइनली रेज मुड़ गई और यहां से 20 सेंटीमीटर पर मुड़ी, तो इसकी फोकल लेंथ 20 है और इसकी पावर -1/20, नेगेटिव इज फॉर डाइवर्जेंस। और ज्यादा डाइवर्जिंग होता तो रेज ऐसी होती है और मुड़ती, मान लो इसकी फोकल लेंथ 10 होती तो ये और ज्यादा बेंड हो गई और यहां पावर आ गई -1/10, तो इट इज ट्वाइस पावरफुल देन दिस वन। तो हमारा अभी तक का डिस्कशन ये रहा कि हम ये समझ गए कि यहां कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का क्या मतलब है। तो जैसे ये 20 था, ये 10 है, तो इसकी फोकल लेंथ 20 है, इसकी पावर +1/20, इसकी फोकल लेंथ 10 है, इसकी पावर +1/10। तो जितनी छोटी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा कन्वर्जिंग या उतनी ज्यादा डाइवर्जिंग पावर। और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग रेज जो अंदर की तरफ मुड़ रही है, डाइवर्जिंग जो बाहर की तरफ है। तो अब देखिए, अगर मैं इसमें ऐसी रेज भेजूं जो ऑलरेडी कन्वर्जिंग थी, मान लो 30 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हो रही थी और फोकल लेंथ इसकी 30 थी, इनपुट कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग था, यह लेंस भी कन्वर्जिंग है, तो गारंटीड ये और अंदर कन्वर्ज हो जाएगा। इनपुट कन्वर्जिंग, लेंस कन्वर्जिंग और पास में कन्वर्ज हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस है। कितने पास में कन्वर्ज होगा ये निकालें, तो ये मुझे डिस्टेंस एक्स चाहिए। तो इनपुट में कन्वर्जेंस था 1/30 का, लेंस ने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड कन्वर्जेंस ऑफ 1/30, तो आउटपुट में 1/30 इसके पास था, 1/30 इसने पैदा कर दिया, आंसर आया 1/15,
इसका मतलब आउटपुट में 15 का कन्वर्जेंस है, दैट मींस ये एक्स की वैल्यू 15 सेंटीमीटर रही होगी। और शायद ये सीधे समझ में आएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, रेज कैसी आ रही थी वो ऑब्जेक्ट है, कहां मीट करें या फाइनली रेज कहां से लग रही है वो इमेज है। जैसे यहां कोई पर्सन होता, यहां कोई पर्सन होता, तो इसके लिए अगर लेंस नहीं होता तो ऑब्जेक्ट यहां था, रेज यहां से आते हुए दिखती। इसके लिए ऑब्जेक्ट ये होता अगर लेंस नहीं होता, लेकिन लेंस है तो अब इसको जो रेज मिलेंगी वो ये मिलेंगी। तो इस ऑब्जर्वर के लिए रेज यहां से नहीं आ रही है, इस ऑब्जर्वर के लिए रेज यहां से आ रही है, इसीलिए इस लेंस के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट ये वाला है। ओवरऑल रेज असली में यहां है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है, रेज तो यहां से अंदर आई और खत्म हो गई, ये नई रेज पैदा हो गई। तो नई रेज ये है, ये हमारे लिए, इस लेंस के लिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहां पे केस एक ही बना, कन्वर्जिंग था, कन्वर्जिंग है, गारंटीड कन्वर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर रेज ऐसी आती तो ये रेज डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है, तो पॉसिबिलिटी बनती या तो ये डाइवर्जेंस खत्म हो जाए, या पॉसिबिलिटी ये थी कि इनको कन्वर्ज कर दे, या पॉसिबिलिटी ये थी कि अभी भी डाइवर्जेंस बचा रहे। तीन केसेस हो सकते थे, वो डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है कि ये ज्यादा पावरफुल है। और पावरफुल मींस सीधे, अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है, अगर ये डिस्टेंस एफ ही हुआ तो इनपुट का डाइवर्जेंस और इसका कन्वर्जेंस एग्जैक्टली कैंसिल हो गए। लेकिन ये अगर एफ से कम हुआ, अगर ये एफ से कम हुआ तो ये ज्यादा डाइवर्जिंग है, जबकि इसकी कन्वर्जिंग पावर कुछ कम थी, तो सॉरी इस वाले में एफ ज्यादा होना चाहिए, वजह कि ये ज्यादा पावरफुल होगा तभी ये मीट करा पा रहा है, मतलब ये रेज हमारी कमजोर है। तो फोकस से अगर दूर से आती, और बात बिल्कुल सही है, ये फोकस है, अगर ये रेज यहां से आती तो ये कम डाइवर्जिंग है, पक्का ये मीट करा देगा, और अगर यही रेज यहां से आती तो ज्यादा डाइवर्जिंग है, मीट नहीं करा पाएगा, ऐसा बनेगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो गया कि फोकस के अंदर से अगर रेज आई तो ये ऐसा बनेगा, और फोकस के बाहर से अगर रेज आई तो ये पक्का इनको मीट करा देगा। और यहां पे तो केस एक ही था, चाहे फोकस के अंदर हो चाहे बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग कन्वर्ज कर गया। तो ये कन्वर्जिंग लेंस के दो केसेस थे। तो कुछ क्वेश्चन करो पहले कन्वर्जिंग लेंस के। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। फिफ्टी फोकल लेंथ 40। ये 60 पे मीट करती लेकिन बीच में लेंस आ गया। थर्ड केस 15 फोकल लेंथ 20 दे देता। अब सबसे पहले केस में अगर देखें तो ये 50 से रेज आ रही है और ये हमारा फोकल लेंथ 40 है, तो इनपुट में डाइवर्जेंस 1/50 का, कन्वर्जेंस 1/40 का, कन्वर्जेंस ज्यादा पावरफुल है, पक्का कन्वर्ज कराएगा, तो रे डायग्राम तो समझ में आ गया, इधर होगा। और कितना -1/50 इनपुट था, 1/40 इसने दिया, प्लस 1/200, तो 200 सेंटीमीटर पे जाके ये रेज मीट करेंगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। सेकेंड क्वेश्चन में
इनपुट में कन्वर्जेंस है 1/60 का, 60 का कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मींस कहां पे कन्वर्ज करती, 60 पे। लेंस ने अपनी तरफ से कन्वर्जेंस जोड़ा 1/30, फाइनली कन्वर्जेंस आ गया 1/20। मींस ये रेज यहां से 20 सेंटीमीटर पे जाके मीट करेगी, और सही बात है कन्वर्जिंग इनपुट, कन्वर्जिंग डिवाइस कन्वर्ज कर जाएगा। तीसरे में 15 सेंटीमीटर का डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस 15 का है, 1/15 का एक्चुअली, कन्वर्जेंस 1/20, डाइवर्जेंस ज्यादा पावरफुल है, रे ज्यादा बेंड हो रही, तो इसको हमें दिख रहा है कि फिगर पक्का ऐसा बनेगा। अब कितने पे, तो इनको सॉल्व करें तो एलसीएम 60, तो 60 नेगेटिव मतलब इन रेज में 60 सेंटीमीटर का डाइवर्जेंस है। तो इन तीनों डिस्कशन में सोचने वाली कुछ चीजें हैं, पहला तो यह है कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस आर बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द डिवाइस, डिवाइस से कहां है, और 1/ डिस्टेंस है, जैसे इनपुट में 1/50, आउटपुट में 1/200, इनपुट डाइवर्जिंग आउटपुट कन्वर्जिंग, ऐसे यहां आउटपुट ये है इनपुट ये है, यहां पे इनपुट डाइवर्जिंग आउटपुट भी डाइवर्जिंग, लेकिन डाइवर्जेंस कुछ कम हो गया है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, पहली चीज। दूसरा यहां ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, ऑब्जेक्ट ये है, इनपुट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, आउटपुट इमेज है, इनपुट ऑब्जेक्ट है। अब इनपुट इसमें कौन सा था, ये, और फाइनली जो रेज निकली उनको एक्सटेंड करने पे बना वो इमेज है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि लेंस पे जहां से रेज आ रही है, जो सोर्स है वो ऑब्जेक्ट है, लेंस से टकराने के बाद क्या हुआ उसे हम इमेज कहते हैं। अब नाम ले लेते हैं, ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि असली में रेज यहां से ओरिजिनेट हो रही, ठीक है, लेकिन यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा रियल नहीं है, ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इन रेज का इंटरसेक्शन एक्चुअली यहां नहीं है, क्योंकि ये रेज असली में तो यहां है ही नहीं, यहां तो असली में सिर्फ ये वाली रेज है, तो ये रेज यहां मौजूद नहीं है, इसीलिए हम इसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सटेंड करके मीट कराना पड़ा, असली में मीट नहीं कर रही है। डेली लाइफ में हम जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं सभी रियल होते हैं, क्योंकि सबसे रेज हमारी तरफ निकल रही होती है, ठीक है। थर्ड वाले केस में कैसा है ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि असली में रेज उससे बाहर निकल रही है। अब हम इमेज की बात करें, वाकई में ये हमारी रियल इमेज है, क्योंकि रेज आई और एक्चुअली एक जगह मीट करी, ये भी हमारी रियल इमेज है, क्योंकि फाइनली रेज असली में इमेज वाले पॉइंट पर मीट कर रही है, लेकिन यहां पे फाइनली जो रेज हैं वो इस तरह हैं, ये यहां मीट नहीं करने वाली इस तरफ, ये मीट एक्सटेंड करने पे कर रही है, तो ये वर्चुअल इमेज। इसका मतलब अगर रियल लाइंस हैं तो रियल है, डॉटेड लाइंस हैं मतलब वर्चुअल लाइंस है, तो क्या हम वर्चुअल कहेंगे। तो ये हम यहां लोकेशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज हम बता पा रहे हैं, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए स्टडी किया। अब एक एग्जांपल हम कॉनकेव के लिए भी एक सेट ऑफ एग्जांपल ले लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस में मोर ऑर लेस बिल्कुल डिस्कशन यही है, जैसे अगर रेज ऐसी आ रही है तो डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो पक्का डाइवर्ज होंगी और ज्यादा, यहां कोई केस बनाने की जरूरत नहीं है, डाइवर्जिंग और अच्छी डाइवर्ज होगी। इसका मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है, और इमेज ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में होगी क्योंकि डाइवर्जेंस बढ़ गया है, तो इसमें तो एक ही केस बनना है, लेकिन इसमें भी मल्टीपल केस आ जाएंगे अगर इनपुट कन्वर्जिंग हुआ तो, क्योंकि ये कन्वर्जिंग रेज है इनपुट में, ये डाइवर्जिंग डिवाइस है, कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रहा है, तो हो सकता है ऐसा हो जाए, और ऐसा सिर्फ तभी होगा जब इनपुट की पावर और इसकी पावर कट जाए, और इसकी पावर 1/f है, तो इनपुट की पावर भी 1/f हो,
इसका मतलब ये फोकस पे। तो अगर कन्वर्जेंस फोकस पे आ रहा है तो पक्का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कट जाएंगे और ये सीधी फ्लैट लाइंस हो जाएंगी। इसी में ये समझ में आ रहा है कि फोकस से ज्यादा अंदर आ गए तो रेज ज्यादा पावरफुल हो गई तो ये कमजोर पड़ गया। रेज अगर ज्यादा कन्वर्जिंग हो गई तो ये डाइवर्ज नहीं करा पाएगा और रेज कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर जाएंगी। बिकॉज इंसिडेंट रेज आर मोर पावरफुल देन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ दिस लेंस, सॉरी डाइवर्जिंग पावर ऑफ दिस लेंस। और इसी में अगर ये फोकस के बाहर होती तो ये जितना पावरफुल है लेंस उससे थोड़ी कमजोर है रेज, क्योंकि अगर ये पॉइंट यहां चाहिए तो रेज कुछ ऐसी रही होंगी। तो रेज का डाइवर्जेंस कम हो गया, कन्वर्जेंस कम हो गया, तो लेंस ज्यादा पावरफुल है और लेंस क्या करेगा इनको डाइवर्ज कर देगा और रेज बनेगी फिर ऐसी। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसको देखिए। हां तो डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग कोई कंफ्यूजन नहीं, फाइनली डाइवर्जिंग होगा। इनपुट कन्वर्जिंग ये डाइवर्जिंग तो केस बन सकते हैं, या तो कन्वर्जेंस खत्म हो जाए या कन्वर्जेंस बचा रहे या डाइवर्जेंस इंट्रोड्यूस हो जाए। तो एक सेट न्यूमेरिकल का है। तो जैसे ही ये 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ 40 है, तो रेज कहां बनेगी? पहले ये गलती मत करना कि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो रेज इंफिनिटी पे। बिल्कुल ऐसा सही है अगर वो लेंस ये वाला होता कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो ये कट गए, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कट गए, रेज ऐसी है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इसके लिए नहीं, क्योंकि ये भी डाइवर्जिंग है ये भी डाइवर्जिंग है। तो 1/40 का डाइवर्जेंस इनपुट था, इसने 1/40 का डाइवर्जेंस दिया, आउटपुट आया 20। इसका मतलब इसके बाद जो रेज हैं वो 20 सेंटीमीटर का डाइवर्जेंस लेके गई। वैसे ऑब्जेक्ट कौन सा है, रियल या वर्चुअल? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। इसी का एक और एग्जांपल देखें। अब की बार हम ये रेज भेजते हैं यहां से 10 सेंटीमीटर से, फोकल लेंथ 15 है, ठीक है। कन्वर्जिंग ले लेता हूं, इस बार कन्वर्जिंग ले लेता हूं रेज को। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्जेंस था, 1/10 का कन्वर्जेंस था, इसने डाइवर्जेंस दिया 1/15 का, ठीक है, क्लियर। तो फाइनली 1/30 का, इसको सिंप्लीफाई करो, 30 एलसीएम है, तो 1/30 का कन्वर्जेंस आ गया। मतलब रेज 30 सेंटीमीटर पे जाके कन्वर्ज कर जाएंगी। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्चुअल, इमेज हमारी रियल। तो ये वो केस था पहला जब डाइवर्जिंग में डाइवर्जिंग जुड़ा, डाइवर्ज कर गया। ये वो केस था, इनपुट कन्वर्जेंस था, ये डाइवर्जिंग था, लेकिन कन्वर्जेंस ज्यादा पावरफुल था। और थर्ड एग्जांपल, अगर ये रेज आ रही होती 20 सेंटीमीटर से, फोकल लेंथ होती 15, तो सॉरी फिर से मुझे यही वाला केस लेना, रिपीट हो जाएगा नहीं तो। ये केस 20 सेंटीमीटर पर रेज गिर रही थी, तो रेज में कन्वर्जेंस था 1/20 का, डाइवर्जेंस आया 1/15 का, फाइनली रेज में डाइवर्जेंस है 1/60, 60 का डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस मींस रेज ऐसी है। और ये डॉटेड पीछे ले जाने पे 60 सेंटीमीटर रहा होगा। तो ये वाला केस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज का। तो ये तो समझ रहा है कि इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट और लेंस किस तरीके से बिहेव करते हैं, कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है कि इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। चलो तो सेट ऑफ क्वेश्चंस कुछ 2-3 और ले लो, सो दैट और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये 40, फोकल लेंथ 30। इन सभी क्वेश्चन को आपको दिमाग में ही सॉल्व करना है,
सीधे सीधे दिमाग में सॉल्व करिएगा कि कहां इमेजेस बनेगी। पहले का आंसर कन्वर्जेंस 40 का, बिल्कुल कन्वर्जेंस 40, ये भी 30, तो 7/120 मतलब ये रेज 120/7 पे मीट करेंगी, और रियली मीट करेंगी तो रियल इमेज। डाइवर्जेंस 40 का, डाइवर्जेंस 30 का, 120/7, ये कहा जाए मोर और लेस एक से क्वेश्चन थे, कन्वर्जिंग इनपुट कन्वर्जिंग लेंस, तो 40 का कन्वर्जेंस, 30 का कन्वर्जिंग, तो 120/7 का कन्वर्जेंस, 40 का डाइवर्जेंस, 30 का डाइवर्जेंस, 120/7 का डाइवर्जेंस, बस रे डायग्राम स्लाइटली डिफरेंट होंगे। और ये वर्चुअल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। 60 का डाइवर्जेंस, 30 का कन्वर्जेंस, 60 का कन्वर्जेंस मतलब ये 60 पे मीट करेगी, और शायद ये याद हो कि इसकी फोकस 30 पे है, तो यही पॉइंट इसका सेंटर पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी हमारी सेंटर पे होगी, और ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है। लास्ट में कन्वर्जेंस था 1/30 का, डाइवर्जेंस है 1/30 का, आंसर आया इसका मतलब जीरो, मींस इसको 1/∞ सोचे, मींस ये रेज में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एग्जैक्टली कैंसिल हो गए, और बात सही भी है, रेज फोकस पे थी, लेकिन रट मत लेना उसको कि फोकस पे थी तो इमेज इंफिनिटी पे होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पे ऐसे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट फोकस पे ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों ही एफ है, लेकिन इस केस में रे डायग्राम ऐसा बनेगा, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग, इसके केस में वाकई में रे डायग्राम ऐसा होगा। सिमिलरली इस वाले में भी फोकस पे, लेकिन एक फोकस ये भी था, इस वाले में बिल्कुल रे डायग्राम ये सही है, लेकिन यहां पे ये रे डायग्राम ऐसा बनेगा, तो हमेशा फोकस पे रखने पे इंफिनिटी पे नहीं बनती। अब ये तो हमने लोकेशन ऑफ इमेज देखा, लोकेशन ऑफ इमेज, तो हमें इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल पता है, डिस्टेंस फ्रॉम डिवाइस या लेंस हमें पता है, हमें यह भी पता है कि वो वर्चुअल है कि रियल है, बस एक और चीज पता करनी है कि आखिरकार वो मैग्निफाइड है या डिमिनिस्ड है। तीसरा पॉइंट पता करने के लिए, मैग्निफाइड या डिमिनिस्ड पता करने के लिए, हम बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट अगर यहां है, इमेज अगर यहां है, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तभी मीनिंग है मैग्निफाइड या डिमिनिस्ड होने की। तो अगर ऑब्जेक्ट ये था, इमेज यहां था, तो मैं यहां से एक रे भेजूं जो पोल से जाएगी, और पोल से जाने वाली रे बिना डिविएट हुए सीधी चली जाती है, पढ़ रखा है हमने। और इमेज अगर बनाऊं तो इस पॉइंट की इमेज यहां कहीं होगी, क्योंकि इसकी इमेज इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होनी है, तो ये पॉइंट अगर यहां मौजूद है तो ये वाला पॉइंट यहां मौजूद होगा। ऑब्वियसली आप चाहें तो एक और ये बना सकते हैं, ठीक है, तो अब मैं ये मिटा देता हूं। अब अगर हम ये देखें तो ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर है, क्योंकि ये वाली रे डिविएट नहीं होती जो पोल से पास होती है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, और दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो
तो हाइट एच यू, दूसरा भी एच वन बाय यू इक्वल टू एच टू बाय वी, मतलब जो जितने दूर है क्योंकि थीटा बराबर है, जिसका बेस बड़ा है उसकी हाइट बड़ी है, तो मैं सीधे लिख सकता हूं फार्दर इज लार्जर, जो जितने दूर है वो उतना बड़ा है और उनकी हाइट का रेशियो उनके डिस्टेंसेस का रेशियो ही है, और इनडायरेक्टली मैं कहूं तो उनके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का रेशियो, ठीक है। तो हम इससे यह पता करें कि जो ज्यादा दूर है वो उतना बड़ा है, मींस अगर मैं इस फिगर के लिए बात करूं ये लेंथ 30 है ये लेंथ 60 है, तो मैं इस फिगर में अंदाज लगा सकता हूं कि ये अगर हाइट h है तो ये हाइट 2h। अब ये जरूर सोचना है कि वो 2h ऊपर था कि 2h नीचे था, तो बिल्कुल आसान, आप एग्जैक्टली यही कंस्ट्रक्शन करके देखिए, यहां से पोल से लाइन भेजिए, लाइन नीचे जाके काटती और लाइन नीचे जाके काटती मतलब ये पलट जाता तो ये इन्वर्टेड होता। तो हम मैग्नीफाइड या इन्वर्टेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, एग्जांपल देखिए और ध्यान रखेंगे फार्दर इज लार्जर। तो पहला एग्जांपल, रेज अगर यहां से आ रही थी, ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है, ये यहां से 50, फोकल लेंथ 30, हाइट एच, इसकी इमेज बनानी थी, हम अभी भी इमेज इसकी ना बना के पॉइंट इमेज बनाएंगे इसकी, और यहां से हम बनाएंगे कि डाइवर्जेंस था 1/50, कन्वर्जेंस था 30, आंसर आया 75, एलसीएम लो 150, ठीक है, तो 3/150, 5/150, 2/150 प्लस 75 आंसर आया, तो ये 50 है, 75 पे जाके ये मीट करेंगे, ये इमेज। अब हमें नेचर पता करना है तो हमें ये फिगर इसके लिए पता करना है, ये हम बना चुके हैं, अब हम इसका फिगर यहां सोचते हैं, ये 75 पे इमेज यहां मौजूद है, सिमिलर ट्रायंगल ये जो लाइन आती वो यहां से सीधे ऐसे जाती, इसका मतलब यहां पे ये जो एक्सटेंडेड इमेज आएगी वो उधर आएगी, और ये 50 और 75 1:3/2, तो ये एच है तो ये कितना है 3h/2, और समझ में आ रहा है रेज वाकई में मीट कर रही है मतलब रियल इमेज है, हाइट बढ़ गई मतलब मैग्नीफाइड है, और पलट गई मतलब इन्वर्टेड, तो रियल मैग्नीफाइड इन्वर्टेड। तो ये हमारा डायग्राम जो कहते हैं, इस डायग्राम से हमने लोकेशन ढूंढ ली, फिर यहां से सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये अप्रोचेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम मिरर में भी ठीक एज इट इज यही अप्रोचेस यूज करेंगे, तो हमारे फॉर्मूले नहीं बदलेंगे, लॉजिक हमारे ज्यों के त्यों बने रहेंगे, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम याद नहीं कर रहे कुछ। अब एक और एग्जांपल देखिए इसके लिए, अब यहां से रियल ऑब्जेक्ट होता मान लीजिए 30 पे, इसकी फोकल लेंथ 30, तो इसके लिए भी हम सबसे पहले कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यूज करेंगे, 30 का डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस 15 का डाइवर्जेंस, तो ये रेज पीछे एक्सटेंड करने पे 15 से आ रही, मींस ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज इधर है, लेकिन अब जरा देखिए कि हम जो सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते वो रे हमारी जाती ऐसे, लेकिन हमें पता है इमेज तो यहां कहीं है, इसका मतलब इमेज का जो डॉटेड पॉइंट बनेगा जो भी बनेगा वो इधर आएगा, ये समझ में आ रहा है कि वर्चुअल इमेज है, और वो सिमिलर ट्रायंगल इस तरफ नहीं बना है, इस तरफ है, और इस तरफ होने की वजह से इस हाइट और इस हाइट का रेशियो ये कितना है 15, तो इस हाइट और इसका रेशो इन दोनों का रेशो बराबर है, तो ये अगर h है तो ये h/2, मतलब क्या बनी वर्चुअल, यहां से पता चल गया वर्चुअल, यहां से पता चला इरेक्ट क्योंकि ऊपर की तरफ है इरेक्ट, और चूंकि मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड में 1 से कम है तो डिमिनिस्ट। तो बस कॉन्सेप्ट ये है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से लोकेशन पता करिए,
सिमिलर ट्रायंगल वाले फिगर से ये, और शायद ये आप सीधे समझ पा रहे हो कि अगर ऑब्जेक्ट इमेज अपोजिट साइड होते, ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, तो पक्का इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि ट्रायंगल पे नीचे जाना पड़ेगा, सेम साइड होंगे तो इरेक्ट बनेगी, अपोजिट साइड पे इन्वर्टेड, ठीक है। यहां देखिए अपोजिट साइड थे तो दूसरा ट्रायंगल यूज किया पलट गया, सेम साइड थे इरेक्ट अब भी है। तो कुछ क्वेश्चन है, प्रॉपर फिगर बना के करिएगा और फाइंड लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर मतलब आपको मैग्नीफाइड डिमिनिस्ड, रियल वर्चुअल, इरेक्ट इन्वर्टेड, इनमें से आपको बताना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन, और वैसे मुझे ये रेज बनाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है रेज यहां से बाहर निकलनी है, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऐसा है, सेकेंड क्वेश्चन में एक खास बात ध्यान दीजिएगा कि यहां मैंने सॉलिड लाइंस बनाई है, यहां लाइन डॉटेड है, यहां लाइंस सॉलिड है, सॉलिड लाइंस क्योंकि असली में रेज यहां थी तो रियल ऑब्जेक्ट है, डॉटेड लाइंस क्योंकि रेज यहां है, टकराने के बाद रेज बदल गई होंगी तो ये एक्सटेंडेड रेज है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये हमारा फिर से रियल ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो अब आंसर्स देखते हैं। 20 का डाइवर्जेंस, 30 का कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस ज्यादा है तो फाइनली रेज पक्का डाइवर्ज करेंगी, मींस आप पहले से रे डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो हम यहां दो रे डायग्राम बनाएंगे, आपकी मर्जी, एक में ही ये कंबाइन कर सकते हैं लेकिन मैं फिलहाल दो बना रहा हूं, एक ये, तो यहां पर 20 का डाइवर्जेंस, फोकल लेंथ कितनी है 30, 30 का कन्वर्जेंस, तो 20 का डाइवर्जेंस, 30 का कन्वर्जेंस, अभी भी 60 का डाइवर्जेंस है, तो रेज डाइवर्ज कर रही है 60 से, तो 60 से रेज डाइवर्ज कर रही है, ये है। अब हमें एक्सटेंडेड के लिए बनाना है तो हम ऐसे बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहां है एक्सटेंडेड 20 पे, यहां से पोल से हमने लाइन भेजी लेकिन इमेज उस तरफ ना हो कि इस तरफ है 60 पे, तो हमने इसको डॉटेड बनाया और इस ट्रायंगल पे ये एक्सटेंड करने पे पीछे जाके मीट करेगा, तो वैसे भी दिख रहा था ये वर्चुअल है, तो पहले का वर्चुअल इरेक्ट ऊपर की तरफ है और दिख रहा है बड़ा है मैग्नीफाइड, और मैग्नीफिकेशन 3 है और बेहतर है मैं कहूं प्लस 3 है क्योंकि पॉजिटिव। चलो सेकंड में 30 का कन्वर्जेंस, 20 का डाइवर्जेंस, 60 का डाइवर्जेंस, चिंता मत करो ये पेयर याद हो जाएंगे, करते करते याद हो जाएंगे कि किनका आंसर क्या आता है, फिलहाल आप प्रॉपर एलसीएम लेके सॉल्व करिए। तो -1/60, तो ये करते करते याद हो जाएगा, तो ये मत देखिए कि मैं कैसे जल्दी कर दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें याद हो गई है करते करते। तो ये +30 -20 -60, तो 60 का डाइवर्जेंस, ये बहुत जरूरी है आपको ये फिगर फील होना कि कन्वर्जेंस था फाइनली रेज डाइवर्जेंस, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब हमें यही एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए बनाना था, अब देखिएगा ट्रायंगल कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट हमारा यहां था, ऑब्जेक्ट से पोल पे लाइन बनाइए,
ये बनाई, हमें कोई मतलब नहीं असली में डॉटेड लाइन है कौन सी है, हम तो सिर्फ लोकेशन ढूंढ रहे हैं। ऑब्जेक्ट ये है, इमेज कहां पे है, यहां पे। ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज यहां है, कितने पे, 60 पे, ये 30 पे, ये एच है तो ये 2H, और ये 2H मतलब नीचे की तरफ चला गया, तो ये नेगेटिव आया, तो वर्चुअल है क्योंकि ऑब्जेक्ट ये था, इमेज ये था, वर्चुअल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। एक इंपॉर्टेंट चीज, जनरली ये कंफ्यूजन होता है कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी हो सकता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो यहां देखिए वर्चुअल इमेज इरेक्ट है, यहां वर्चुअल इन्वर्टेड, इवन डिमिनिश्ड मैग्नीफाइड कुछ भी हो सकती है, तो कुछ याद मत करिए, हमेशा निकालिए, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में ये हमारा सॉल्यूशन। तो वंस अगेन हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, इमेज की लोकेशन ढूंढी, ऑब्जेक्ट से लाइन पोल को जॉइन करते हुए खींच दी, सो दैट ये दो सिमिलर ट्रायंगल मिल जाए, तो इन दोनों का रेशियो ही हाइट का रेशियो है, तो ये 2h मिल गया। थर्ड क्वेश्चन में डाइवर्जेंस 60 का, कन्वर्जेंस 40 का, फाइनली कन्वर्जेंस 120 का, 120 का कन्वर्जेंस है, तो रेज कन्वर्ज तो करेंगी, तो यहीं से फिगर समझ में आ रहा है कि 120 पे कन्वर्ज करेंगी। अब मैं फिर से फिगर नहीं बनाना चाह रहा, यहीं से ट्रायंगल बना देता हूं, तो यहां से ट्रायंगल बनाए, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, अब हमारा ये काम खत्म हो गया। तो यहां से ये लाइन डालते तो ये कुछ ऐसे जाती, इमेज पीछे मीट करती, तो ये हाइट अगर एच है तो ये हाइट हमारी 60 120, 2H, और हमारा रे डायग्राम ये वाला ऐसा बना था, मतलब रेज असली में यहां मौजूद थी, मतलब ये हमारी रियल इमेज है, लेकिन इन्वर्टेड इसके रिस्पेक्ट में उल्टी, और डबल है मैग्नीफाइड, और मैग्नीफिकेशन प्लस माइनस 2। इस वाले केस का मैग्नीफिकेशन लिखा नहीं लेकिन दिख रहा है, एच इधर है, 2H इधर है, पलट गया, तो मैग्निफिकेशन इज माइनस 2। और अगर हम ये समझ गए तो अब इसके बाद हमें फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे कितने लेंसेस रखें, हम सभी में यही लॉजिक लगातार लगाते जाएंगे, तो ये सिंगल लेंस की बजाय हम मल्टीपल लेंसेस भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अगर मल्टीपल लेंसेस होते तो हम क्या करते, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ खास इसमें है नहीं, मींस यहां से एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, एक और लेंस मान लो यहां मौजूद है, तो यहां से ये डिस्टेंस मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर गिवन है, ये 40 है, फोकल लेंथ 60 है, फोकल लेंथ 40 है, ये सॉल्व करते कि फाइनली रेज कहां जाएंगे। तो पहले इस पे गिरी, ये रेज इस तक पहुंचने से पहले यहां से निकलेंगी, तो ये ऑब्जेक्ट इसके लिए ऑब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता, तो रेज यहां से गिरी, इससे टकराने के बाद जो भी होगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो पहले देखते हैं 40 का डाइवर्जेंस, 60 का कन्वर्जेंस, 120 का डाइवर्जेंस नेगेटिव, मींस इससे टकराने के बाद रेज गई है कैसी, ऐसी, मींस ये आ रहा है हमारा 120 से। अब बहुत ही जरूरी, अब यहां ये समझना ऑब्जेक्ट और इमेज में डिस्टिंक्शन, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज, लेकिन इसके लिए यही हमारा ऑब्जेक्ट है, समझ गए, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, क्या बता सकते हो ये ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है उसके लिए, पहले इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूं, इसने क्या किया, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाई, क्लियर, इसके लिए ये रियल है या वर्चुअल, रियल, बिल्कुल सही, क्योंकि रेज असली में कहीं से आ रही है, अगर ये रेज ऐसी गिरती तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, तो इसके लिए अभी भी रियल ऑब्जेक्ट है, हालांकि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके लिए बात करें तो अब यहां से रेज आ चुके हैं, अब हम इससे पूछते हैं, तो इसके लिए रेज आ रही है यहां से 180 से,
और डाइवर्जिंग, तो इसके लिए रेज आ रही हैं डाइवर्जिंग 180 से और ये खुद कन्वर्जिंग 40 है, तो इसके लिए रेज आई 180 का डाइवर्जेंस लेके, इसने कन्वर्जेंस दिया 40 का, एलसीएम लिया 360, तो ये बना -2, ये बना 9, तो ये बना 7/360 पॉजिटिव, मतलब 1/360/7 मींस ये 360/7 पे रेज को मीट करा देगा। ठीक है, और ये फाइनली रियल इमेज है क्योंकि रेज असली में मीट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहां से रेज आ रही थी, ये हमारा इनिशियल ऑब्जेक्ट है, 40 से आई, चूंकि इनमें डाइवर्जेंस ज्यादा था तो ये कन्वर्ज नहीं कर पाया, डाइवर्जेंस बचा रहा 120 का। जब रेज इस पे गिरी तो इनमें 180 का डाइवर्जेंस था, लेकिन ये उनको खत्म कर सकता है डाइवर्जेंस, तो उसने डाइवर्जेंस भी खत्म कर दिया, कन्वर्जेंस भी पैदा कर दिया, तो डाइवर्जेंस में कन्वर्जेंस जोड़ा, फाइनली इतने का कन्वर्जेंस रेज 360/7 पे बन गई। अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ ये यहीं तक नहीं निकाल पा रहे, हम मैग्निफिकेशन वगैरह भी बता पाएंगे, बस वो कैसे बताएंगे वो देखिएगा। मैग्निफिकेशन बताने का तरीका, पहले हम अकेले इस लेंस के लिए सोचेंगे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहां पे था, हाइट एच कितना था, ये डिस्टेंस 40, और इसकी इमेज बनी यहां से 120 पे, तो इसका ट्रायंगल बनता ऐसा, और ये ट्रायंगल पीछे ले जाना पड़ता, और समझ में आया 40 से 120, 3 गुना, तो हाइट 3h, तो इसने जो मैग्निफिकेशन दिया वो प्लस का 3 क्योंकि इरेक्ट है। अब इसके लिए वो ऑब्जेक्ट है, तो अब हम इसके लिए बात करें तो ऑब्जेक्ट यहां से 180 पे मौजूद है और 3h हाइट का है, और अब इमेज बन रही है 360/7 पे इस तरह, और अब यहां से लाइन खींचते तो ये ऐसा बनता, और ये 3h से ये थीटा आपस में बराबर है, तो 180 का 2/7 बना, तो 3h का 2/7, और दिख रहा है नेगेटिव में। अगर हम सिर्फ इसके मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसका मैग्निफिकेशन -2/7, इसका अकेले का मतलब इसने इनपुट को 2/7 टाइम्स कर दिया, एक्चुअली नेगेटिव यहां लगाएं तो बेहतर, उसको -2/7 टाइम्स कर दिया इसने। ओवरऑल मैग्निफिकेशन की बात करें तो कुछ इसने दिया कुछ उसने दिया, एच को 3 गुना इसने किया, -2/7 उसने किया, तो फाइनली आंसर -6h/7 आया, और सही बात है, फाइनली हाइट -6h/7 है, तो h हाइट पीछे 6h/7 में कन्वर्ट हो गई, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन मिला -6/7, और आप इससे ही बता सकते हैं मतलब इन्वर्टेड, लेस देन 1 डिमिनिस्ट, और असली में रेज मीट कर रही है फाइनली, मतलब रियल, तो फाइनली जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ट। एक और एग्जांपल फिर क्वेश्चन देता हूं, और ले लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, तो इनपुट हमारा कन्वर्जिंग है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे था, ऑब्जेक्ट 30 पे है, ये फोकल लेंथ 20 है, इससे पहले रेज इस पे आएंगी, फिर इस पे आएंगी, फिर इस पे आएंगी,
फाइनली यहां पहुंचेंगी, तो फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको तीन बार सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आउटपुट इसका इनपुट है, इसका आउटपुट इसका इनपुट है, इसका आउटपुट फाइनल आउटपुट है। तो अगर इसका मैग्निफिकेशन M1 होता, इसका M2 निकलेगा, इसका M3 निकलेगा, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना आएगा? M1, M2, M3, तीनों का प्रोडक्ट। अब इंडिविजुअली हम तीनों को सॉल्व करते हैं, और ये पूरा का पूरा इसी फिगर के अंदर सॉल्व हो सकता है, फिलहाल हम इंडिविजुअली कर रहे हैं। वैसे चलो, 30 का कन्वर्जेंस था, 30 का कन्वर्जेंस ये है डाइवर्जिंग 20, डाइवर्जेंस आया कितने का? 60 का। इसका मतलब रे डायग्राम हमारा कुछ ऐसा है। 60 का डाइवर्जेंस लेके आया, लेकिन एक 60 का डाइवर्जेंस इसके रिस्पेक्ट में, जब ये रेज इस पे गिरेंगी तो इन पे डाइवर्जेंस कुछ और आएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस कहां से मेजर होते हैं? डिवाइस से, और इस डिवाइस से ये पॉइंट कहीं और है। तो 60 इसका, और ये गैप भी 60 ही है, तो इसके लिए 120 का डाइवर्जेंस, लेंस है कन्वर्जिंग 40 का, 40 का कन्वर्जेंस कंबाइन करो 60 का कन्वर्जेंस, तो रेज जाके 60 पे मीट करती, 60 पे मीट करती अगर कर पाती, लेकिन 60 पे मीट करने से पहले इससे टकरा गई, क्योंकि यहां से 60 ऐसे आएगा, तो हमारा फिगर ये आगे कैसा बना? ये 60 पे मीट करती, लेकिन ये गैप कितना है? 45, मतलब ये 15 पे मीट करती यहां से, लेकिन पहले इससे टकरा गई। इन रेज के पास इसके रिस्पेक्ट में 15, एक्चुअली 1/15 का कन्वर्जेंस है, इसके रिस्पेक्ट में 1/60 है, लेकिन अब हमें इससे निकालना है, तो इससे 1/15 का कन्वर्जेंस, इसके पास भी कन्वर्जेंस 30, ओवरऑल 1/10 का कन्वर्जेंस, तो 1/10 का कन्वर्जेंस तो कहां मीट करेगा? 10 पे, तो ये आएगा इधर, तो फाइनली इमेज रियल है, लोकेटेड एट 10 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ राइट मोस्ट लेंस। लोकेशन हमें पता है और रियल और वर्चुअल पता है, लेकिन मैग्नीफाइड डिमिनिस्ट या इन्वर्टेड इरेक्ट अभी भी नहीं पता। वो निकालने के लिए हम इंडिविजुअली एक एक को स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये हमारा रे डायग्राम जो सिंगल रे में सॉल्व हो गया। अब हम इसका मैग्निफिकेशन देखें तो देखते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां थी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, तो इसका मैग्निफिकेशन चाहिए तो दोनों हम अलग बना ले। इसके लिए ऑब्जेक्ट यहां पे था 30 पे, इमेज यहां पे थी 60 पे, और हमें पता है ऑब्जेक्ट की हाइट एच है और ऑब्जेक्ट से पोल पे हम ये लाइन बनाते, तो ये बना ऐसा, और ये 30 ये 60 तो एच ये 2h, मींस इसने इसको पलट दिया और डबल कर दिया। तो यहां लिख लेता हूं इसका मैग्निफिकेशन -2 पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट इस वाले के लिए देखिए, और सिर्फ इसी का कंट्रीब्यूशन बात कर रहे हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे था? यहां पे 60 और 60 120, ऑब्जेक्ट ये था, इमेज इसकी 60 पे, ध्यान दीजिए फाइनल 10 पे है, लेकिन इसने तो 60 पे बनाई थी, तो इसके रिस्पेक्ट में इमेज 60 पे, तो ऑब्जेक्ट अगर ये हाइट एच डैश होती जो कि बदल गई होगी, और अब हम ये ट्रायंगल ऐसा बनाते तो ये एच डैश बाय 2 मिलता, एच डैश से एच डैश बाय 2 हो गया, हाइट आधी हो गई उस तरफ गई, मतलब मैग्निफिकेशन इसका -1/2, तो M2 की वैल्यू -1/2। लेकिन काम अभी हुआ नहीं है, तीसरा लेंस भी डिस्कस करना है। तीसरे लेंस के लिए इनपुट क्या है? 15। तीसरे लेंस के लिए रेज 15 पे मीट कर रही थी,
ऑब्जेक्ट ये था, इमेज हमारी थी 10 पे, तो इसके लिए हम बात करें तो ऑब्जेक्ट पे एक्सटेंडेड बनाया हमने ये 15 पे, ये ट्रायंगल बनाया, इमेज हमने यहां बनाई कहां पे 10 पे, ये 10 है ये 15 ये ऑब्जेक्ट है, तो ये अगर एच डबल डैश है तो एच डबल डैश का 10/15 मतलब 2/3, तो इस हाइट का ये 2/3 मतलब इसने इरेक्ट रखा लेकिन छोटा कर दिया, तो इसका मैग्निफिकेशन प्लस 2/3, तो M3 की वैल्यू प्लस 2/3, तो फाइनली नेट मैग्निफिकेशन कितना हो गया M1 M2 M3 प्लस का 2/3। तो अब ये पॉजिटिव है मतलब इरेक्ट, 1 से छोटा है मतलब हाइट छोटी हो गई, डिमिनिस्ट, और रियल वर्चुअल यहां पता चलेगा कि रेज असली में मीट कर रही थी मतलब वो रियल है। ठीक, तो अब कितने भी लेंसेस हो हम प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे, इनके 2-3 क्वेश्चन ले लो सो दैट पता चले कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 में ड्रॉ रे डायग्राम ओनली, कौन सा डिस्टेंस ये जरूरत है, ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है, क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा जरूरत नहीं। क्वेश्चन 2, फाइनल नेचर ऑफ फाइनल इमेज, नेचर ऑफ फाइनल इमेज। चलो तो सॉल्यूशन देखें, पहले में कोई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं, कन्वर्जेंस रेज 30 पे मीट कर गई, लेकिन जब इस तक गई तो यहां पे इनमें 40 का डाइवर्जेंस आ गया क्योंकि टोटल 70 है, 40 का डाइवर्जेंस 40 का कन्वर्जेंस, तो रेज हो गई पैरेलल, इसीलिए हमें इस डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी। अब रेज में कोई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं है, फाइनली ये 20 का डाइवर्जेंस, तो फाइनल इमेज यहां से 20 लोकेटेड है पीछे। हाँ, इस डायग्राम में एक खास बात देखिए कि मैंने सिर्फ रे डायग्राम पूछा, मैग्निफिकेशन नहीं पूछा, बाकी दोनों में पूछा है, वजह इंफिनिटी से आ रही थी फोकस पे बन गई, तो डिस्टेंसेस का रेशियो इंफिनिटी रेशियो एफ है मतलब जीरो,
और यहां एफ से आ रही थी इंफिनिटी पे, तो यहां मैग्निफिकेशन इंफाइनाइट है, यहां मैग्निफिकेशन जीरो है, जीरो और इंफिनिटी का प्रोडक्ट इंडिटर्मिनेट है, इसीलिए यहां कोई मीनिंग नहीं है कि मैग्निफिकेशन कितना होगा इस चीज का। क्वेश्चन टू, 50 का डाइवर्जेंस, 40 का कन्वर्जेंस, 120। ये 80, 120 था तो ये 120, 120 का कन्वर्जेंस, 60 का कन्वर्जेंस, कितने का, 40 का कन्वर्जेंस। तो ये तो हमारी इमेज बन गई, तो रियल इमेज तो दिख रही है कि रियल है। अब हमें इन्वर्टेड इन्वर्टेड पता करना है, तो 50 का आंसर 200 पे आया अपोजिट साइड, तो ट्रायंगल में अपोजिट साइड, 50 का 200 मतलब 4 गुना, तो इसका मैग्निफिकेशन अच्छे से सोच लेना समझ में आ जाएगा, -4 इसका। इस तरफ 120 से 40 है, दोनों सेम साइड है, ट्रायंगल सेम साइड बनेंगे, और 120 से 40 है तो ट्रायंगल सेम साइड है तो इरेक्ट होगी और 1/3 आएगा 120 से 40, तो मैग्निफिकेशन आया +1/3, लेकिन टोटल मैग्निफिकेशन इनका प्रोडक्ट है -4/3, अभी भी ये इनलार्ज्ड है, 1 से बड़ा है, लेकिन रियल पता कर चुके थे इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, तो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इसका आंसर, और कहां लोकेटेड है वो भी हमें पता है, 40 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ दिस लेंस, और मैग्निफिकेशन -4/3। थर्ड क्वेश्चन में 10 का कन्वर्जेंस, 15 का डाइवर्जेंस, कन्वर्ज तो पक्का होगा, और कितने पे, 30 पे, =1/30, तो 30 पे कन्वर्ज होगा। अब 30 पे ये कन्वर्ज हो रहा था और 30 पे ये गया, 30 का डाइवर्जेंस, 20 का कन्वर्जेंस, तो 60 पे कन्वर्ज कर गया, तो फाइनली फिर से रियल तो दिख रहा है, रियल। मैग्निफिकेशन देखें, इसने 30 का, सॉरी कहां था, 10 का, 10 का 30 पे बनाया, तो 3 गुना और सेम साइड +3। इसने कितना था, 30 का 60 पे बनाया, डबल किया अपोजिट साइड मतलब -2, तो आंसर आया -6, तो -6 नेट मैग्निफिकेशन -6, मतलब रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड। और इस एग्जांपल से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखी होगी कि मैग्निफिकेशन इसने 3 गुना बढ़ाया, हमने 2 गुना बढ़ाया, ओवरऑल 6 गुना हो गया, मतलब काफी बड़ी इमेज हो गई। यही कॉन्सेप्ट है हमारा टेलीस्कोप या मैग्नीफायर्स का, कि एक के बाद एक अगर लेंस लगा दिए जाएं और सबका मैग्निफिकेशन चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो कई गुना मैग्निफिकेशन हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की वर्किंग। तो आज के लिए इतना ही, हमने लेंस के डिस्कशन किए, मल्टीपल लेंसेज के डिस्कशन किए। अब आपको एक शीट मिलेगी जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको आपको प्रॉपर सॉल्व करना, और कोशिश करिए कि आप लॉजिकली हर चीज को समझ पाए कि कब रियल बनेगी, कब वर्चुअल बनेगी, और हर चीज का प्रूफ कि हम ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं, ट्रायंगल में सेम साइड मतलब इरेक्ट कैसे, अपोजिट साइड मतलब इन्वर्टेड कैसे। तो ये बिल्कुल प्रॉपर आराम से फील करिएगा, दिक्कत आए तो इस वीडियो को पॉज कर दीजिए बीच बीच में, हो सकता है लगे कि हम जल्दी आंसर लिख दे रहे हैं कि इसका इसका ये आया, तो आप पॉज करके अपना खुद का आंसर सोच लो। ठीक है, तो प्रॉपर शीट सॉल्व करिए, शीट का डिस्कशन अगले वीडियो में होगा।